बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं सना बतूल फूड व्लॉग्स। जी तो सिस्टर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें और अल्लाह ताला ऐसा ही आप पर अपनी बरकतें रहमतें नाजिल करते रहें। तो कैसे गुजर रही हैं आपकी गर्मियाँ और बताएं आज आपने क्या बनाया? मैं तो आज बनाने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट। आपको पता है कि मेरी एक आदत है कि मैं वीक में कुछ मीठा बनाती हूँ, या मैं कुकीज़ बना लूँ, या मैं केक बना लूँ, या मैं खीर बना लूँ, या मैं सेवइयाँ बना लूँ, कुछ ना कुछ मैं मीठा ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मज़े का डिफरेंट सा केक। मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का केक, सेमोलिना केक मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि आपके मुँह में जाते सारी घुल जाएगा, इस कदर सॉफ्ट बनेगा। चले आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया एक अंडा, अंडे को मैंने अच्छे से विस्क किया है। अब आपने नोट कर लेना है कि इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। साथ में ही गई इसमें हाफ प्याली गई है इसमें पिसी हुई चीनी, चीनी गई हमारी हाफ कप चीनी। अब इसको भी हम मिक्स करेंगे अपने अंडे के साथ, ये भी चली गई। देन मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, इसी प्याली में मैंने डाल लिया है, ये देखें इतना सा मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, ठीक हो गया। और 5-6 टेबलस्पून मैंने ली है कोकोनट, इसको मैंने क्रश कर लिया है, ठीक हो गया। देन मैंने लिया है हाफ प्याली ही ऑयल, और अब आते हैं मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि इस रेसिपी की जान है और शान है, वो है सूजी। हाफ प्याली मैंने ली है सूजी, ठीक हो गया। मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, साथ साथ आपने बाउल को रोटेट करते जाना है ताकि जो नीचे लगी हैं चीज़ें वो भी एकदम मिक्स हो जाएंगी इसमें। ये केक आपका जल्दी भी बनेगा, हमने इसको पतीले में बनाना है। आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। अब मैंने साथ में इसमें लिया जी हाफ प्याली दही। उतनी देर में आपने, जितनी देर में ये चीज़ें जा रही हैं उतनी देर आपने अपने पतीले को प्री हीट कर लेना है, और उतनी देर आपने मेरा चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आ रही या मेजरमेंट की समझ नहीं आ रही, आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं। अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे जी। तो सिस्टर्स, मैंने ले लिया है ये पैन, इस तरह का मोल्ड मैंने ले लिया है। आप चाहें तो गोल में भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है। गोल में बना लें, इसमें बना लें, जिसमें मर्ज़ी आप बना लें, जो आपके पास है आप उसमें बनाएं। और उसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। अब इसको अपना इसके अंदर इसको कवर करके इसको भी ऑयल से, पैन को भी ग्रीस किया है हमने और इसको भी ग्रीस करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरे को उसकी साइडों को भी ग्रीस कर लेंगे जी। तो सिस्टर्स, अभी हमारा जो है बैटर वो हम इसमें डाल देंगे। बड़ा मज़े का बहुत सॉफ्ट सा केक जो है ना हमारा तैयार होगा। बर्तन को अच्छे से सॉफ्ट करें। चलें अब ये देखें जी, ये गया पतीले के अंदर और ये गया ऊपर से ढक्कन। चलें जी, अब चेक करें कि हम 20 मिनट बाद, 20-25 मिनट से पहले हमने पतीला खोल के नहीं देखना क्योंकि सारी हीट निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो सिस्टर्स 20 मिनट बाद अब मैंने अपना थोड़ा सा ना लिड हटाना है, ये देखें 20 मिनट बाद मैंने लिड हटाया। अब मेरा केक जो है ना वो आधे से ज़्यादा डन है। अब हमने क्या करना है, मैंने लिए हैं कुछ बादाम, उनको मैंने बारीक कट किया है और अब मैं इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर लूँगी। आपको कोई भी पसंद है, आपको पिस्ता पसंद है, आपको अखरोट पसंद है, कुछ भी पसंद है आपको, अगर नहीं पसंद तो आप मस्त नहीं है कि आप डालें ये। हमने आपको इसके ऊपर खोपरा भी डाल सकते हैं आप। ये मैंने डाल दिया और अब मैं इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। चलें जी,
जी तो सिस्टर्स अपना लिड उठाते हैं, बेसमेंट बाद भी दिखाया था आपको, और बेसमेंट ये देखें जी। अब ये आपने लेनी है टूथपिक, और ये टूथपिक हमने इसके अंदर ये देखें, ये बिल्कुल साफ आई है बाहर, इसका मतलब है कि केक डन है। और ये देखें ये सारी अपनी साइडें जो हैं वो छोड़ चुका है। अब इसको निकालेंगे बाहर बड़ी केयरफुल तरीके से जी। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स ये देखें आप, मैं आपको इसकी साइड्स दिखाती हूँ, ये देखें ये देखें, और सॉफ्टनेस ये देखें ये देखें, ये सॉफ्टनेस भी चेक करें और इसकी पूरी साइड्स देख लें आप, ये फुली कुक्ड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ले जी 5 मिनट में केक रेडी है, 10 मिनट में केक रेडी है, बिल्कुल भी नहीं। इस मेरे केक को 45 to 50 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि ज़ाहरी बात है कि एक कच्ची चीज़ होती है, सब्ज़ी भी हो तो उसको भी दम देते हैं तो टाइम लगता है। इसी तरह आप मैदे का बनाएं या आप सूजी का बनाएं, जो भी चीज़ें हैं उनको पकाने में कुछ टाइम ज़रूर लगता है, ठीक हो क्या ये। लेकिन अलबत्त केक मेरा बहुत मज़े का बना है, आप बनाएंगे तो आपसे सारे पूछेंगे और सारे रेसिपी पूछेंगे आपके पास, कहेंगे कि प्लीज़ हमें रेसिपी बताएं, और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कट करके दिखाते हैं आपको, ये देखें कितना स्मूथली कट हो रहा है, गरम बहुत है सिस्टर्स ये, ओहो हो 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 हो। ये देखें ये देखें किस कदर ये फ्लफी और किस कदर सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, किसी चीज़ की किसी पॉइंट की किसी मेजरमेंट की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकती हैं कमेंट्स में, मैं आंसर दूंगी। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आगे भी आप बहुत ज़्यादा आपने अप्रिसिएशन दी है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला ऐसे ही हम पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करते रहें और हमारे रिस्क में कशादगी अता करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।